देखिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीएम उद्यमी योजना में जिन लोगों का चयन नहीं हो सका है, क्यों नहीं चयन हो सका है। बिहार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव जो है ना संदीप मौद्रिक जी, उनका कहना है कि जिन लोगों को जो है ना सीएम उद्यमी योजना का लाभ नहीं मिल सका है, वे लोग जो है ना कि कोई भी उद्यमी योजना का अगर आप लोन ले रहे हैं तो जान लीजिए आपको किसी भी प्रकार का कोई फोन कॉल नहीं किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत माय एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीएम उद्यमी योजना में जिन लोगों का चयन नहीं हो सका है, क्यों नहीं चयन हो सका है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो है ना इस बार सीएम उद्यमी योजना के लिए यानी कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए जो है ना 2,24,000 के लगभग में 2,24,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें मात्र 8,000 लोगों का गतिये से प्रस्तावित था नाम, पहले से ही प्रस्तावित था कि जो है मात्र 8,000 लोगों का इसमें जो है ना चयनित किया जाएगा। तो जान लीजिए अब 8,000 लोगों का चयनित किया गया, उसके बाद जो है ना बचे जो है ना कितना लोग हो गए तो 2,30,000 लोग, मात्र 8,000 लोगों का चयनित हुआ है। इसका मतलब अगर हम कह सके कि इसका परसेंटेज निकाले तो मात्र 3.6%, मात्र 3.6%, यानी कि जो 96.4% लोग हैं उनका इसमें चयन नहीं हो पाया है। अब जान लीजिए वे लोग क्या करेंगे, तो जान लीजिए उनके लिए जो है ना उद्योग विभाग, बिहार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव जो है ना संदीप मौद्रिक जी, उनका कहना है कि जिन लोगों को जो है ना सीएम उद्यमी योजना का लाभ नहीं मिल सका है, वे लोग जो है ना अगले साल जो है ना सीएम उद्यमी योजना का ऑनलाइन आएगा। जान लीजिए अब जो है ना इस वर्ष सीएम उद्यमी योजना का ऑनलाइन नहीं आने जा रहा है और फिर एक साल इंतजार करना पड़ेगा, तो उतना दिन अगर इंतजार ना करें, अगर आप स्टार्टअप करने का विचार है, अगर आपका बिजनेस करने का विचार है, तो जान लीजिए जो है ना अब आप जो है ना पीएमईजीपी में अपना विकल्प ढूंढिए। जान लीजिए अभी पीएमईजीपी क्या होता है, तो अगर इसके बारे में खास जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको A to Z जानकारी इसका बता दें। फिलहाल इसका जो है ना संक्षेप में जानकारी बताते हैं, छोटी सी जानकारी बताते हैं, डिटेल जानने के लिए कमेंट जरूर करें। हम आपको बता देते हैं कि पीएमईजीपी क्या है, तो पीएमईजीपी का फुल फॉर्म है जो है ना प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है, यह जो है ना उद्योग विभाग का जो है ना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है, यह बिहार सरकार का योजना है, लेकिन यह पीएमईजीपी जो है यह प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, यानी कि यह केंद्र सरकार का प्लान है। और जान लीजिए यह क्या है यह योजना, तो अभी हम संक्षेप ही बता रहे हैं, इसमें आपको हम बता दें कि यह योजना में जो भी राशि आपको स्वीकृत किया जाएगा, जान लीजिए अधिकतम 35 लाख रुपया इस योजना के तहत मिल सकेंगे, जिसका जो है ना इसमें अनुदान के रूप में भी मिलेगा रुपया, यानी कि जो है ना लगभग जो है ना 35% अनुदान हो जाएगा, जो है ना 35% राशि अधिकतम जो है ना माफ कर दिया जाएगा। यह फिक्स नहीं है कि 35% ही, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आपको कमी किया जाएगा। लेकिन उद्यमी योजना में जो है ना आपको 50% जो है ना माफ कर दिया जाता है, जान लीजिए इसीलिए उद्यमी योजना जो है ना ज्यादा प्रचलित हो गया है। लेकिन पीएमईजीपी भी कुछ कम नहीं है, मान लीजिए जो है ना 35% अगर आपको जो है ना 10 लाख मिल गया, उसमें से आपको 3.5 लाख रुपया माफ हो जाएंगे, तो यह भी कहां कम हुआ, जान लीजिए। और उसके बाद जो है ना इसका जो है ना इसमें जो है ना अब जो है ना अभी विकल्प अभी तक खुला है, अभी भी ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, जिन लोगों को इसका जो है ना अगर आवेदन करना है, वे लोग अपने नजदीकी साइबर कैफे में जाए और इसका आवेदन करवाए, जान लीजिए। और उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि इसकी आधिकारिक घोषणा जो है ना संदीप मौद्रिक जी किए हैं कि जो है ना जिन लोगों को जो है ना जो 35% अनुदान वाला जो है ना पीएमईजीपी चाहिए जो है ना, वे लोग जो है ना अब आप जो है ना उद्योग विभाग के अगले साल वाले लोन पर नहीं इंतजार रहिए, इसी वर्ष जो है ना पीएमईजीपी में अप्लाई कीजिए। और जान लीजिए इसमें उतना लोग क्यों नहीं लोन ले रहे थे, इसका एक ही खराबी है कि जो है ना पीएमईजीपी जो है ना बैंक को करना होता है, और बहुत सारा बैंक जो है ना लोगों को लोन नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण यह योजना उतना प्रचलित नहीं हुआ। जो है ना मौद्रिक जी का कहना है कि इस वर्ष हम लोग जो है ना बैंक के साथ कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, बैंकों को अधिक से अधिक लोन देने के लिए हम लोग कह रहे हैं। और जान लीजिए इसमें यह बता रहे हैं कि आवेदकों की तरफ से प्रमाण पत्र जो है ना अपलोड करना है वो सही सही अपलोड करना है, और दूसरी बार ये भी कह रहे हैं कि कोई भी उद्यमी योजना का अगर आप लोन ले रहे हैं तो जान लीजिए आपको किसी भी प्रकार का कोई फोन कॉल नहीं किया जा रहा है, किसी भी प्रकार के फोन कॉल और फ्रॉड कॉल से आप बचे रहिए,
और विभाग के द्वारा अगर कोई भी सूचना दिया जाएगा तो जान लीजिए आपको जो है ना सबसे पहले तो ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा, वो आपको कोई भी पर्सनली सूचना नहीं होगा। दूसर की बात, अगर कोई भी सूचना के लिए अगर आपको कॉल जाएगा तो आपको जो है ना उद्योग विभाग के आपको जिला उद्योग केंद्र में जाना है। प्रत्येक जिला में जिला उद्योग केंद्र है, वहां पे जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। जान लीजिए अगर आपको किसी भी प्रकार का योजना का अगर आपको जानकारी चाहिए तो जान लीजिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर किसी भी प्रकार का लेटर चाहिए, किसी भी प्रकार का पीडीएफ चाहिए तो जान लीजिए उसके लिए आप हमारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो है ना टेलीग्राम का लिंक पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर प्रकार का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।